हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बेसन के नमकीन सेव बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बनते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा परात लिया है, आप इसके जगह प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े बर्तन में बेसन को फेंटने में आसानी होती है, इसलिए मैंने आज यहाँ परात लिया है। और इसी के साथ मैंने एक मेजरिंग कप लिया है, इसी से हम सभी चीज़ें लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कटोरी या कप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक छन्नी लिया है और इसमें हम बेसन डाल रहे हैं और इसे छान लेते हैं। तो यहाँ हम नमकीन बनाने के लिए 2 कप बेसन का यूज़ कर रहे हैं और इसे हमें छान करके ही लेना है। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन से नमकीन से बहुत ही अच्छे बनते हैं। साथ में इसमें हम बहुत ही थोड़ी सी हींग डालेंगे, नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है। और अब इसमें हम खाने वाला सोडा डाल रहे हैं, यानी बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। ये लगभग 2 चुटकी के करीब है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो नमकीन सेव है तेल बहुत ही ज़्यादा सूखेगा, यानी तेल तेल हो जाएगा। तो अब इसमें हमें तेल डालना है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है और ये हल्का सा गर्म है, यानी गुनगुना तेल है, और ये 1/4 कप है, तो इसे डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा का यूज़ बहुत ही कम करिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब हमें फटाफट सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ मैंने तेल को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमको बैटर तैयार करना है। बैटर गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और अच्छे से मिलाते जाते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ 3/4 कप पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। बेसन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बेसन मोटा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और बेसन अगर पतला है तो पानी थोड़ा कम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और अच्छे से मिलाते हुए इसे अच्छे से फेंटें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेसन का कलर चेंज हो रहा है। तो लगभग मैंने इसे 8 से 10 मिनट अच्छे से फेटा है और यहाँ जो बेसन का कलर है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही फ्लफी हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें बेसन चाहिए। और अब इसकी हम बनाने वाले हैं नमकीन। नमकीन सेव बनाने के लिए आप इस तरह की प्रेस मशीन यूज़ कर सकते हैं, इसके जगह घुमाने वाली मशीन भी आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जाली को आपको सेट करना है, जो भी आपको अच्छी लगती हो, और उसके बाद आपको सेव बनाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह का पलटा यूज़ कर सकते हैं जिसमें छेद होते हैं। इसके ऊपर आपको बैटर को रखना है, हाथ से आगे की ओर खिसकाते हुए आपको सेव को बनाना है, और जो सेव होंगे वो डायरेक्ट तेल में जाएंगे। और कुछ लोग तो सेव बनाने के लिए कद्दूकस का भी यूज़ करते हैं, तो हम आज प्रेस मशीन का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाली को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह की जाली लगा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, और मैंने यहाँ प्रेस मशीन को सेट कर दिया है, इसमें भी तेल लगाया है। अब बैटर को डाल देते हैं और इसका जो कैप है इसे लगा देंगे। सेव बनाने के लिए यहाँ मैंने घी को अच्छे से गरम कर लिया है और इसे चेक कर लेते हैं। तो घी अच्छे से गरम है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। और अब हम सेव को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम ना हो और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। तो बस ऊपर से आप प्रेस करते जाइए, गोल गोल घुमाते हुए आपको इस तरह सेव को बनाना है। ये बेसन के सेब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे आप 20 से 30 दिन बहुत ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बार अच्छे से घुमाते हुए सेब को बना लिया है, और इसे आपको तब तक नहीं पलटना है जब तक जो तेल में बुलबुले बन रहे हैं वो बिल्कुल कम ना हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो बुलबुले हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, और अब इसे हम पलट देते हैं। तो बहुत ही संभाल कर इसे पलटें,
और आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बारीक यानी पतला भी बना सकते हैं छोटे वाले छेद से जो जाली होती है, पर यहाँ मैंने इसे हल्का सा मोटा रखा है। और इसे अब दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ जो बेसन के सेव हैं ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे फ्राई करने में लगभग 4 से 5 मिनट लगता है। इसी के साथ आज हम आपको मेशो ऐप के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे आपको शेयर करना है व्हाट्सअप, फेसबुक या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, मेशो पे प्लेस कर देना है ऑर्डर को। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब काम मेशो करेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जिन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं और पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक जाली पे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और इसी तरह हम सभी बेसन के सेब को बना लेंगे। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और जब तेल में बुलबुले बनना बंद हो जाए तब आपको इसे पलटना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सेब को आप एक के ऊपर एक ना बनाएं, कुछ इस तरह आपको बनाना है। तो इसी तरह हम सभी बेसन के सेब को बना लेते हैं और इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद ही इसे स्टोर करके रखना है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ जो बेसन के सेब हैं ये बहुत ही अच्छे बने हैं और बिल्कुल भी कड़े नहीं हैं, बहुत ही क्रिस्पी जैसे बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसे हम तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो डिब्बे में इसी तरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, पर कुछ इस तरह हम इसे तोड़ लेते हैं। बहुत छोटा छोटा नहीं करेंगे, आप चाहें तो इसे जो मुरमुरे बनते हैं उसमें डाल सकते हैं, चुरमुरा जो बनता है उसमें डाल सकते हैं, कोई भी नमकीन बना रहे हैं मिक्स नमकीन बना रहे हैं उसमें इसे मिक्स कर सकते हैं और इसे आप इसी तरह भी खा सकते हैं। तो इस दिवाली इसे आप ज़रूर बनाइएगा। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।